हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू YT महेश। हमारे चैनल पे सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है, सभी दोस्तों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन क्या है आपको मैं बता देता हूँ। आप लोगों के जीमेल बॉक्स में एक ईमेल आया होगा जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताया गया है यूट्यूब के तरफ से। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको एक नया फीचर भी दिया गया है। हम सभी यूट्यूबर के लिए बहुत खुशी का खबर है। जब हमारे कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं होंगे, यानी कि 0 सब्सक्राइबर होगा, वो फीचर हमारे लिए लॉन्च हो गया है। बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो वो क्या है और उसका नाम क्या है, मैं अच्छे तरह से आप लोगों को बताऊँगा, प्रूफ के साथ दिखाऊँगा और भी बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल का वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। वो फीचर क्या हमको दिया गया है, तो दोस्तों इसलिए आपको जाना पड़ेगा, आपका जो जीमेल अकाउंट है, जीमेल एप्लीकेशन, वहाँ पर टैप कीजिए। मैंने टैप कर देता हूँ जीमेल पर, ठीक है दोस्तों। तो जीमेल जाने के बाद यहाँ पे YouTube के तरफ से कल ही हमको, यानी कि आप लोगों को ऐसा ही कुछ मैसेज आया होगा, वहाँ पे देख लीजिए YouTube के तरफ से हमको ये मिला है। और करीब 10 बजे मुझे मिला था, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। तो आप लोगों को कितने बजे मिला था ये मैसेज, आप बताइए। यहाँ पे क्या दिया गया है, मैं हिंदी पर आपको अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि इंग्लिश में, हेलो, वी आर ट्राइंग टू लेट यू नो दैट ओवर द कमिंग वीक्स YouTube will इंट्रोड्यूसिंग हैंडल्स टू मेक इट इजियर फॉर मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी टू फाइंड एंड कनेक्ट विथ ईच अदर। आप लोगों को थोड़ा टाइम यानी कि सब्र रखना पड़ेगा, मैं आपको अच्छी तरह से बताऊँगा इसका मतलब क्या है। और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि दोस्तों इसका मतलब होता है कि हमने आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कमिंग वीक में कुछ हफ्ता के बाद एक इंट्रोड्यूस होगा, जो जिसको हम बोलेंगे यूट्यूब हैंडल्स, वो आपके लिए बहुत ईजियर होगा, आपके जो मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी पे उनके लिए, और आप सभी दोस्तों से मिल जाएंगे, मतलब जुड़ पाएंगे। ऐसा फीचर ऐड हो रहा है तो अपकमिंग कुछ वीक में वो हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया है कि योर हैंडल विल बी यूनिक टू योर चैनल and will be how people mention you in comments, community posts and more। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो हैंडल होगा यानी कि YouTube हैंडल होगा वो यूनिक होगा, सिर्फ आपके लिए ही रिजर्वेशन होगा। और यहाँ पे आपको कोई कोई दोस्त कहाँ पे कमेंट पे, कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मतलब मेंशन कर रहे हैं, उसको भी आप पता कर सकते हैं जल्दी से, ये फीचर लॉन्च होने के बाद। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपको लिखा गया है कि हियर इज व्हाट यू नीड टू नो, आपको क्या जानना जरूरी है आपको यहाँ पे बता दिया गया है। वी आर ग्रेजुअली रोलिंग आउट द एबिलिटी टू चूज ए हैंडल फॉर ऑल चैनल्स ओवर द कमिंग वीक्स। अपकमिंग वीक्स में आप सभी चैनल के लिए, मतलब जो न्यू चैनल हैं उनके लिए और जो पुराने चैनल मोनिटाइज हो चुके हैं, सभी चैनल पे ये लागू किया हो जाएगा। और उसके बाद जो कौन सा फीचर, YouTube हैंडल्स का फीचर लॉन्च हो जाएगा। एंड यू विल बी रिसीव अनदर ईमेल एंड ए नोटिफिकेशन इन YouTube स्टूडियो, आपके स्टूडियो में और एक ईमेल और नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, व्हेन यू आर एबल टू चूज योर्स, ठीक है। तो आपको और एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा आपका YouTube स्टूडियो में। और इन मोस्ट केसेस इफ यू ऑलरेडी हैव ए पर्सनलाइज्ड URL, यानी कि पर्सनलाइज्ड URL हम बोल सकते हैं, कस्टमाइज्ड URL बोल सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अपकमिंग इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। तो इसका मतलब होता है आपके लिए, आपने इसका मतलब है आपने पहले से कुछ पर्सनलाइज्ड URL को एक्टिवेट करके अपने चैनल पर रखे हैं, तो क्या होगा, वही जो कस्टमाइज URL और पर्सनलाइज्ड URL उसको हम अभी देख पाएंगे YouTube हैंडल के जरिए में। अभी @ आपका चैनल का नाम लग जाएगा, पहले से ऐसे स्लैश होके रहता था, उसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। मैं भी अपने चैनल पे जो पर्सनलाइज्ड URL किया है, कहाँ पे किया था और कैसे किया था और कैसे वो दिखता है, मैं ज़रूर बताऊँगा आगे में। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें। और उसके बाद दिया गया है कि We have reserved this for you as your handle।
तो आपके लिए जो कस्टमाइज्ड यूआरएल था वो आपके लिए अभी यूट्यूब हैंडल्स बन जाएगा, वो रिजर्वेशन सिर्फ आपके लिए ही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ यू वांट ए डिफरेंट हैंडल फ्रॉम द वन वी हैव रिजर्व्ड यू कैन चेंज इट। आप भी जो आपके लिए जो रखा गया है, आपके लिए जो रिजर्व किया गया है, उसको भी आप चेंज बाद में कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट ऑलरेडी हैव ए पर्सनलाइज्ड यूआरएल टुडे, आपके आज अभी तक आपने पर्सनलाइज्ड यूआरएल नहीं किया है, तो उसके बाद क्या करेगा यूट्यूब यू विल ऑल्सो बी एबल टू चूज ए हैंडल फॉर योर चैनल। आप अभी भी कर सकते हैं, मतलब आपको आप भी अभी कर सकते हैं यदि आपने पर्सनलाइज यूआरएल नहीं किया है, तो आपके लिए जो भी बेस्ट होगा आप बना सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे दोस्तों था कि पर्सनलाइज यूआरएल आपके चैनल का नाम पे ही आप रख सकते थे, ठीक है। आपके लिए ये सिस्टम दिया गया है जो 0 सब्सक्राइबर पे आपको मिल जाएगा। पहले से 100 सब्सक्राइबर होने के बाद आप कस्टमाइज यूआरएल कर रहे थे, ठीक है, ऐसा सिस्टम पहले था। कि स्टार्टिंग ऑन नवंबर 14, 2022 नवंबर 14 को, इफ़ यू हैवंट यू येट सिलेक्ट ए हैंडल फॉर योर चैनल, आपके लिए चैनल आपके चैनल का आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, 14 नवंबर 2022 को ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जाएगा हैंडल आपके चैनल पे। यहाँ पर लिखा गया है ना, YouTube will automatically assign you a handle which you can change in YouTube Studio if you like। आप पसंद करते हैं आप चैनल का YouTube जो कस्टमाइज URL उसका तो हट जाएगा, अभी क्या होगा YouTube हैंडल हो जाएगा, उसको YouTube हैंडल बोलेंगे। मतलब जो youtube.com/ अपना चैनल का नाम पहले से था, मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है, आप सब्र रखें और अच्छे से आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वो कस्टमाइज URL अभी @ पहले से बन जाएगा। नेक्स्ट है, इन मीन टाइम लर्न मोर, आपको ज़रूरत है तो लर्न मोर पे आप क्लिक कर सकते हैं, बहुत कुछ जान पाएंगे अबाउट हैंडल्स एंड ऑल द थिंग्स यू विल बी एबल टू डू विथ देम। यहाँ पे आप लर्न मोर क्लिक करके वहाँ पे भी आप YouTube हैंडल को ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, देखते हैं, हमको तो YouTube टीम ने भेजा है, सिंसियरली YouTube टीम यहाँ पे लिखा गया है। लर्न मोर पे आप क्लिक करते हैं तो क्या आता है देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा लोडिंग होता है, हमारा ये ब्राउजिंग दिखाई दे रहा है वीवो में। तो हमारा यहाँ पे लिखा गया है कि यू टू क्लेम योर हैंडल, आप क्लेम हैंडल के लिए करेंगे तो प्लीज़ विजिट द YouTube एप्लीकेशन पे आपको विजिट करना पड़ेगा चैनल का हैंडल, मतलब YouTube का हैंडल करने के लिए। नहीं तो आप जा सकते हैं youtube.com/handle ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आप ऐसे ही लिख के जहाँ पे मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जाके मतलब youtube.com/handle लिख के आप जा सकते हैं अपने सिस्टम में। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आगे उसका प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको मैं अभी दिखाऊंगा कैसे YouTube का जो कस्टमाइज मतलब जिसको बोलते हैं कस्टमाइज URL यानी कि और बोल सकते हैं पर्सनलाइज्ड URL, व्यक्तिगत स्तर में आप जो URL देते हैं अपने चैनल के लिए उसके बारे में मैं अभी क्रोम पे दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो देख लेते हैं दोस्तों, इसके लिए हमको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर देता हूं दोस्तों आपके लिए, और जो सर्च बार होता है वहां पे आपको टैप करना है youtube.com, उसके बाद आप सर्च करिए दोस्तों, अपने चैनल का लोगो आ जाएगा नीचे में। यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे आपको राइट साइड कॉर्नर पे जो 3 डॉट है वहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, डेस्कटॉप साइट, ठीक है। तो डेस्कटॉप साइट हमारा ओपन हो गया अभी। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, थोड़ा नेट स्लो है तो आपके जो चैनल का लोगो है वहाँ पे क्लिक कीजिए, मैंने चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको टैप करना है योर चैनल, पहला जो ऑप्शन होता है वहाँ पे क्लिक कीजिए, मैंने क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका चैनल का इंटरफेस ऐसा आ गया, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कस्टमाइज चैनल यहाँ पे टैप कीजिए जहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा लोडिंग हुआ,
YouTube का एप्लीकेशन, YT स्टूडियो का एप्लीकेशन थोड़ा आएगा, फिर से वो रिकनेक्ट हो जाएगा अपने YouTube स्टूडियो में क्रोम पे, थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद आपको दोस्तों, मैं जूम थोड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे थ्री चैनल कस्टमाइजेशन, यहाँ पे थ्री ऑप्शन है, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक। बेसिक इन्फो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिक इन्फो पे आप क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भर सकते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे देखो चैनल यूआरएल दिया गया है, चैनल यूआरएल भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, और नीचे में कस्टम यूआरएल भी दिया गया है। मैंने कस्टम यूआरएल करके रखे हैं, देखो यहाँ पे मेरा कस्टम यूआरएल क्या है, https जैसे दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए अच्छे से, www.youtube.com/c/ytmohesh, वो स्पेस ना देते हुए मैंने कस्टमाइज किया है अपने चैनल पे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली, मैं नहीं करूँगा कस्टमाइज़, तो मेरा YouTube टीम ने मेरे चैनल पे ऐसा कर देंगे, क्या www.youtube.com, उसके बाद आ जाएगा मेरा जहाँ पे YT मोहेश लिखा गया है, वहाँ पे @ पहले लग जाएगा, यहाँ पे पहले @ YT मोहेश लग जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे लिंक कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कैसे कनेक्ट करते हैं, बैनर कैसे जुड़ते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं अपने चैनल का, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। आप लोग बताइए आपके लिए वो वीडियो ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। और आप भी, आप लोगों को बता सकता हूँ दोस्तों, जो फ्री म्यूजिक होता है यूट्यूब के लिए, जो वीडियो में हम फ्री म्यूजिक डालते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ऑडियो लाइब्रेरी पे जाके आप बहुत सारे आप म्यूजिक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगले जो होता है हमारा कस्टमाइज यूआरएल तो चला गया, अभी हट जाएगा, उसके बाद आएगा यूट्यूब हैंडल, उसके बारे में फुल्ली ट्यूटोरियल में लाऊंगा, और उसको कैसे हम एक्टिवेट करते हैं, इनेबल करते हैं, उसके लिए मैं ज़रूर एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आप अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दी, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ वहाँ पर भी बताता हूँ दोस्तों। तो रहता हूँ दोस्तों, जय जगन्नाथ।